अच्छा जनाब, ये मोहसिन अमीन का सवाल है। माय क्वेश्चन इज फॉर वकार यूनुस। डज आवर टीम नीड मेंटल ट्रेनिंग मोर देन फिजिकल ट्रेनिंग? शुड आवर प्लेयर्स जॉइन आर्मी ट्रेनिंग सेशन विद आवर आर्मी? प्लीज आंसर, आस्क द पवेलियन। मोहसिन अमीन, वकार फॉर यू। Join the army. वो आर्मी का हुआ था ना इनका, जो इंग्लैंड जाने से पहले आर्मी का जो कैंप, बूट कैंप हुआ था। I'm all for boot camp. I think fitness के लिए बड़ा अच्छा था। मिसबा ने उस दिन बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन भी किया था कि उसका क्या बेनिफिट्स हुए थे। इंग्लैंड वॉज अ बिग टूर और जब यहाँ से गए थे तो मेजर डिफरेंस था इनकी फिटनेस में। सो आई थिंक बूट कैंप, आई एम ऑल फॉर इट। एंड आई थिंक नॉट ओनली कि इंटरनेशनल टीम को आपको बूट कैंप कराना चाहिए, इवन आप जैसे बात कर रहे हैं ना हम लोग के जी ए टीम या जो सेकेंड स्ट्रिंग है जो पाकिस्तान की, जिन्होंने नेक्स्ट पाकिस्तान के लिए खेलना है, उनको अभी से ही मे बी गेट इन टू द हैबिट ऑफ बिकमिंग अ रियली फिट गायज। यू नो, आप वर्ल्ड वाइड देख लें, इंडिया की टीम ही देख लें, ये हमारे नेबर्स हैं कि उनके जो अब वो उनकी जो आउटफिट है जो नज़र आती है, they're a very fit side. So I think I don't mind that. I think it's a good idea. Good. And by the way, just to interject there, you attended that boot camp as well, England get towards se pehle. Miss bhai, you were there. Story sunana chahta hu ki bilkul please share kya hua. First day pe actually उन्होंने हमें बिठा के पहले समझाया कि हम आपके साथ ये करेंगे इन द नेक्स्ट टू वीक्स। अब हमें उन्होंने पहले दिन ना हमें तोड़ा, उन्होंने मतलब भगा के तोड़ के बनाया था, तोड़ा उन्होंने हमें। okay. उन्होंने लेकिन पहले एक्सप्लेन किया था ये सब कुछ होगा आप लोगों के साथ। हम टूटे, यकीन करें पहले दिन कमोड पे ना ऐसे बैठ के, मतलब पकड़ के मैं बैठा दोबारा एक सेकंड जरा क्लोजर तो गई, दोबारा कैसे बैठे थे ऐसे पकड़ के जाने में अब अच्छा चले। नाउ वी हैव अ कमोड स्टोरी एज वेल, दैट वाज द ओनली थिंग मिसिंग इन द पवेलियन। यकीन करें पहले दिन पे ना एक जगह पे जाके बहुत सारे लड़कों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने वो पहले इतना देखा ही नहीं था। फिर उन्होंने हमें समझाया कि भाई ये सारा यहाँ पे जो है आप मैसेज आप यहाँ देते हो, आपका जिस्म नहीं टूट सकता। उस बूट कैंप से दो हफ्ते हमने किया, जो उन्होंने मंडे वाले दिन हमें तोड़ा था तो अगले मंडे पे उन्होंने कहा कि हम सेम कराएंगे। वो एक एक दिन ना थोड़ा कम करते जाते थे, जब अगले मंडे किया तो वो वही चीज़ आराम से हो गई। दो हफ्ते के बाद यकीन करें ऐसा लगता था कि पंगे लो ऐसे ही। अच्छा हाँ, मतलब ऐसा वो फिटनेस फील होती थी ना कि वर्ड्स में नहीं बता सकते। दैट इज़ अमेजिंग। दो साल ही भेजो इन्होंने, दो साल के लिए भेजे। चलो दो वीक।